सभी YouTube, व्हाट्सएप और फेसबुक के साथियों को नमस्कार। मैं नई दिल्ली नजफगढ़ दीनपुर एक्सटेंशन कॉलोनी परल हॉस्पिटल रोड गली नंबर 6 से यह वीडियो बना रहा हूं और ये गली नंबर 7, 8 और 9 तक पूरा पानी भरा हुआ है। सरकार, प्रशासन, विधायक, हम पिछले साल भी विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था कि कल ही मैं वहाँ जे और इनसे बोलता हूँ, हमारी बात कराई थी, लेकिन आज तक हम 1 साल होने को है इस नरक में जीने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली सरकार और हमारे बीजेपी के शशि यादव जी को भी मैं इस बारे में 2-3 बार अवगत कराया हूँ। देखो, ये देश की राजधानी दिल्ली है और इसका ये हाल है, तो सरकार पे सोचने की बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आम नागरिक के क्या हाल हैं, किस मूलभूत सुविधाओं में जी रहा है। और बच्चे यहाँ ड्यूटी करने के लिए कैसे घर से बाहर निकलेंगे, कैसे घर में आएंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं अभी गली नंबर 5A इस पर हूँ और गली नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ। परल हॉस्पिटल रोड गली नंबर 4 की तरफ बढ़ता हुआ यह वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल घोर नरक का पानी है और लोगों ने यहाँ शिवर में जो नाला है 3-4 फुट गहरा, उसमें भी गंदे पाइप छोड़े हुए हैं। इस गंदे पानी में जीने के लिए, चलने के लिए तो कुछ बोलना भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या किसी को बोला जाए, कैसा बोला जाए। वीडियो बनाकर ही अपनी आवाज़ को सभी तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इस बारे में हम कई बार बोल चुके हैं। ये आए दिन का हाल है, ऐसा नहीं कि बरसात है। आज बरसात हुई, कम से कम 4-5 घंटे हो गए हैं और पानी लगभग उतर गया जहाँ से उतरना चाहिए था, वहाँ से उतर चुका है। लेकिन ये हालत रोज़ का है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूँ।
भाइयों, ये पर्ल हॉस्पिटल भाइयों, इस रोड पे यहाँ तक का पूरा रोड गंदे पानी से और मलबे से भरा पड़ा है। तो मैं विशेष यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पर्ल हॉस्पिटल का जो ये स्टैंड पोल है, इसके साथ में यहाँ पे एक बिजली का ये हाई पावर वाला ये पाइपलाइन आ रही है, बिजली की पाइप, बिजली के हाई वोल्टेज करंट वायर है जो नाले के बीचों बीच ऊपर से पानी को रोकती है। और यहाँ सारा ये पन्नी और कपड़े, कागज़ ये फंस जाते हैं, और इसके चलते हमने पिछले साल अपने RW के तहत एक लेटर भी लिखवाया था, लेकिन अभी तक बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कॉलोनी नरक में जीने के लिए मजबूर है और अधिकारी लोगों के कान पर जूं नहीं रेंगते। तो कृपया मेरा सभी से निवेदन है, इस बारे में आला अधिकारियों तक और सरकार के यथोचित कार्रवाई करने वालों को यह सूचना अगर मिले तो तुरंत के तुरंत इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। कृपया हमें इस नरक वाली ज़िंदगी से उबारें।